दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि सुबह उठकर ख़ुद को फ्रेश महसूस कराने के लिए लोग कॉफ़ी का सेवन करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसको लेकर क्या कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या सुबह कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, क्या ये सही है क्या नहीं, तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं और समझते हैं। दरअसल अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं तो उससे ब्लड शुगर बढ़ सकती है और हाई ब्लड शुगर से कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, जिनमें डायबिटीज़ भी शामिल है, जो आम बात हो गई है आज के दौर में। अब ये कैफ़ीन काम कैसे करती है जो कॉफ़ी के अंदर होती है? दरअसल ये बताया जाता है कि जागने से पहले आपका शरीर आपको दिन भर के लिए तैयार करने के लिए कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। यदि इस समय कॉफ़ी आप पिएंगे तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो आपको ब्लड शुगर को किक मिल सकती है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ख़तरा बिना दूध वाली ब्लैक कॉफ़ी पीने वालों को होता है, क्योंकि जब आप जागते हैं तो आपका ब्लड शुगर पहले से ही बढ़ा हुआ होता है, और वहीं अगर कोई भी कैफीन पी लेता है तो ब्लड शुगर को और अधिक ये बढ़ा सकता है। इसके साथ ही सुबह जागने से कम एक घंटे बाद आपको कॉफ़ी, एक घंटे तक आपको कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से ब्लड शुगर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये पाया गया है कि खाने के तुरंत बाद तेज़ चलना ब्लड शुगर को कम करने का अच्छा तरीका हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चलने से मसल्स भी एक्स्ट्रा चीनी का उपयोग कर लेते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना कई लोगों के लिए ज़रूरी होता है, कई लोगों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो वो धमनियों और तंत्र को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही भारत में डायबिटीज़ के मरीजों के आंकड़े पर अगर हम नज़र डालें तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज़, 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटीज़ और 31 करोड़ 50 लाख लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। हालांकि केवल 1/4 ग्रामीण और आधे से भी कम शहरी लोगों को पता है कि वो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए अगर आप सुबह उठने के तुरंत बाद कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आप इसको बंद करिए, या फिर आप धीरे धीरे आप इसको कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बिना दूध वाली कॉफ़ी का भी सेवन करते हैं, यानी कि ब्लैक कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ हद तक आपको एनर्जेटिक बना सकती है, लेकिन अगर आप उसका ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।